नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं डंके की चोट पर। मैं हूं आपके साथ कृतिका सिंह। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो से योगी आदित्यनाथ का राज तिलक होगा? बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे? ये सवाल इसलिए क्योंकि यूपी चुनाव के आखिरी चरण के प्रचार में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में मौजूद है। बाबा विश्वनाथ के दर पर है। 2014 में बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। 2017 में बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद से बीजेपी यूपी में सत्ता में आई। 2019 के लोकसभा चुनाव में बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद से नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बने और अब एक बार फिर नरेंद्र मोदी वाराणसी में मौजूद है, बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं, रोड शो इस वक्त कर रहे हैं। वाराणसी की सड़कों पर लोगों का जन सैलाब उमड़ चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए हजारों लोग इस वक्त सड़क पर हैं। हर ओर लोगों की भीड़ है। पूरा बनारस केसरिया रंग में डूब चुका है। ये तीन तस्वीरें अलग अलग कैमरों के जरिए आप देखें किस तरीके से काशीवासी इस वक्त सड़कों पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि 3 से 3.5 किलोमीटर लंबा ये भव्य रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और ऐसे में ठीक 2 दिन बाद यानी कि 7 तारीख को 7वें चरण का मतदान होना है 54 सीटों पर, जहां पर 2017 के विधानसभा चुनाव में 36 सीटें हासिल की थी। और ऐसे में एक बार फिर से अपनी जीत को दोहराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि बीजेपी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक है, वो एक बार फिर से बनारस की सड़कों पर नजर आ रहे हैं। इस वक्त मेरे सहयोगी अरुण मौजूद है ग्राउंड जीरो से, उनका रुख कर लेते हैं। अरुण, कहां तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो पहुंचा है? क्या कुछ तस्वीरें, किस तरीके का जोश? देखिए सबीना, इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो लहुराबीर तक पहुंचा है। लगभग 1 से 1.25 किलोमीटर की दूरी कवर हो पाई है 1 घंटे में। तो इस तरह से अगर आप देखें तो लगातार लोगों की भीड़ प्रधानमंत्री को देखने के लिए आ रही है। रास्ते में काफी भीड़ है, इसकी वजह से प्रधानमंत्री का रोड शो बेहद ही धीरे चल रहा है। लहुराबीर के आगे मैदागिनी आएगा और उसके बाद काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जो निर्माण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना से हुआ था, वहां वो जाएंगे और काशी विश्वनाथ धाम में पूजा पाठ करने वाले हैं वो। कल एक रैली है, लेकिन आज काशी की सड़कों पर, बनारस की सड़कों पर बीजेपी कार्यकर्ता जिस जोश और उत्साह में नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री के इस रोड शो के बाद, वो बीजेपी की रणनीति को एक तरह से निश्चित रूप से बल दे रहे होंगे, क्योंकि पूर्वांचल के इलाके में प्रचार के दूसरे दिन, खत्म होने के ठीक दूसरे दिन यानी कल शाम को 5 बजे चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। उसके पहले ये रोड शो करा के बीजेपी कोशिश ये कर रही है कि न सिर्फ 2017 के प्रदर्शन को इस पूरे इलाके में दोहराया जाए, बल्कि उसको और ज़्यादा सुदृढ़ किया जाए, उसको और बढ़ाया जाए। मतलब जो 36 सीटें जीती थी बीजेपी, जिन 54 सीटों पर 7 मार्च को चुनाव होना है, वो टैली 45 तक ले जाने की बीजेपी की रणनीति है। बीजेपी को ये बात बखूबी पता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले 2 चरण के चुनाव में जिस तरह से गठबंधन की तरफ से उसको इस बार टक्कर मिली है जो 2017 में नहीं थी, उसकी भरपाई अगर किसी क्षेत्र से हो सकती है तो वो क्षेत्र है पूर्वांचल। हालांकि आजमगढ़, मऊ और जौनपुर 3 जिले ऐसे हैं जहां गठबंधन समाजवादी पार्टी मजबूत स्थिति में है। उस मजबूती को निगेट करने के लिए भारतीय जनता की पार्टी के पक्ष में लोगों को मोड़ने के लिए, बीजेपी से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री का ये रोड शो बनारस की सड़कों पर चल रहा है और कल एक बड़ी रैली भी वो संबोधित करने वाले हैं। लेकिन सियासी मिजाज की अगर बात की जाए, क्योंकि आज देखिए अखिलेश भी वहां पर मौजूद थे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी आज बनारस पहुंचे, तो ऐसे में काशी की जनता का रुख क्या कुछ कहता हुआ नजर आता है? भले ही एंटी इनकम्बेंसी वहां पर हावी होती हुई नजर आए, गठबंधन से लगातार बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आए, लेकिन लोगों की, जनता का मूड आप क्या कुछ भाप पाए? जी अरुण, ठीक है अरुण का हम रुख करेंगे, लेकिन लगातार आप तस्वीरें देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और देखिए अभिवादन, धन्यवाद करते हुए हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि शुरू से ही काशी का कायाकल्प जो है सबसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर बीजेपी पेश करती हुई नजर आई, योगी सरकार पेश करते हुए नजर आए। और दूसरी ही तरफ अमित सिंह मेरे सहयोगी मौजूद है। अमित, क्या कुछ तस्वीरें आप इस वक्त दिखाएंगे, कहां पर आप मौजूद है, किस तरीके से पूरा का पूरा रोड शो आगे बढ़ता हुआ?
देखिए मैं सब सीधी तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिखा रहा हूँ। लहुरा पीर हम क्रॉस कर चुके हैं या और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे सामने है। मैं आपको तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिखा रहा हूँ। देखिए किस तरीके से हाथ जोड़कर अभिनंदन स्वीकार करते हुए, देखिए एक से सवा घंटा हो चुका है सबीना इस रोड शो को, मेगा रोड शो को शुरू हुए लेकिन अभी तक हम पहुंचे हैं लहुरा पीर तक। अंदाजा लगाइए कि अभी मात्र ये एक किलोमीटर कुछ से कुछ ज्यादा दूरी तय कर पाए होंगे। हम अभी भी 2 किलोमीटर से थोड़ी सी ज्यादा की दूरी जो है वो अभी तय करनी बाकी है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक घंटे में 1 किलोमीटर या 1.25 किलोमीटर की दूरी तय कर पा रहा है ये मेगा रोड शो। वजह साफ है क्योंकि दोनों तरफ जन सैलाब उमड़ा पड़ा है प्रधानमंत्री मोदी को देखने के लिए। इससे पहले भी हमने इस तरह की तस्वीरें दिखी थी लेकिन जो अरुण सिंह ने जो बातें कही थी उसी बात को आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा। देखिए पूर्वांचल काशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये मेगा रोड शो कर रहे हैं और बीजेपी का दावा है कि इस मेगा रोड शो का इम्पैक्ट जो है पूरे पूर्वांचल में पड़ता है। तो वही गठबंधन की तरफ से दावा किया जा रहा है कि आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर ये तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर वो मजबूत स्थिति में है, वो वहां पर क्लीन स्वीप करेंगे। तो लेकिन अब ये 10 मार्च को जब काउंटिंग होगी तब मालूम चलेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब 2017 में जब इस तरीके से मेगा रोड शो किया था तो उसका असर साफ देखने को मिला था और पूरे पूर्वांचल में क्लीन स्वीप किया गया था। तो अब जब इस बार जब 10 मार्च को जब काउंटिंग होगी तब देखना होगा कि गठबंधन के दावे पुख्ता साबित होते हैं या फिर प्रधानमंत्री का जो ये मेगा रोड शो है एक बार फिर ये गठबंधन पर भारी पड़ेगा। देखिए लहुरा पीर से हम इस वक्त निकल चुके हैं और ये जो तस्वीरें हैं लहुरा पीर से हम तकरीबन 100 मीटर आगे निकल चुके हैं और मेरे कैमरे के फ्रेम में आप देख सकती हैं कि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ उठाकर लोगों का सभी अभिवादन स्वीकार करते हुए और प्रधानमंत्री ऊपर की तरफ देख रहे हैं, ऊपर यानी दूसरे या तीसरे मंजिल की तरफ, क्योंकि जो घर हैं इस सड़क पे लहुरा पीर से जब हम आगे बढ़ते हैं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के तरफ जाने वाले सड़क पे तो जो घर है हर घर पर हर सड़क पे छोटे बच्चे हो, चाहे वो 5 साल का हो या फिर 10 साल का हो या फिर 15 साल का हो, कोई युवा हो, औरतें किसी भी उम्र की हो, हर कोई अपने बालकनी में अपने छत पर मौजूद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर फूलों की बारिश की जा रही है, गुलाब के फूलों की बारिश की जा रही है और हर जो फूलों की बारिश नहीं कर पा रहा है और कई कई लोगों के हाथों में तो हम माला देख पा रहे हैं, वो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को वो ये माला पढ़ाए। लेकिन सुरक्षा यहाँ पर काफ़ी पुख्ता व्यवस्था है और जो प्रधानमंत्री का एक प्रोटोकॉल होता है उसी प्रोटोकॉल में इस वक्त प्रधानमंत्री रोड शो करते हुए, क्योंकि हम प्रधानमंत्री के पीछे देख पा रहे हैं कि 2 SPC में जो जवान है वो तैनात है। तो हर कोई अपने बालकनी से अपने छतों से खड़ा होकर प्रधानमंत्री का को नमस्ते, हाथ जोड़कर नमस्ते करता हुआ। पूरी की पूरी काशी जो है मोदी मय हो चुकी है और एक झलक पाने के लिए किस तरीके से जनसैलाब यहां पर उमड़ता हुआ नजर आ रहा है वो तस्वीरें लगातार हम देख रहे हैं। एक और सहयोगी समीना हमारे साथ मौजूद है ग्राउंड जीरो से, उनका भी रुख कर लेते हैं। समीना देखिए इससे पहले भी कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस आ चुके हैं, बनारस के प्रति उनकी क्या कुछ प्रतिबद्धता है, किस तरीके से काम आगे चलता रहा है वो तमाम उपलब्धियों के बारे में हम जानते हैं देखते हैं। लेकिन आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं तो पूर्वांचल की जनता को कितना बड़ा संदेश इस रोड शो के जरिए। रितिका आपने सही कहा, जो उपलब्धियां यहां पर काशी के लिए की गई है काशीवासियों के जहन में वो सब कुछ है। इसलिए जब भी हम काशीवासियों से बात करते हैं, बनारस की जनता से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हमें डबल इंजन की सरकार की तरफ से ये उपलब्धियां मिली हैं और ये